खबर जयपुर से है। कोरोना वायरस को लेकर सीएम गंभीर हैं। सीएम अशोक गहलोत ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की। सीएम आवास पर लॉकडाउन को लेकर समीक्षा की गई। कलेक्टर्स और एसपी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वार्ता की। सीएम आवास पर लॉकडाउन को लेकर समीक्षा बैठक की गई। कलेक्टर और एसपी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में चर्चा हुई। कोरोना वायरस को लेकर सीएम पूरी तरह से गंभीर हैं। सीएम अशोक गहलोत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे हैं कोरोना वायरस को लेकर। हालात हमारे नियंत्रण में है और पल पल की खबर हमारे एसीएस रोहित सिंह जी, मेडिकल एजुकेशन के सेक्रेटरी वैभव गालरिया जी वहां ले रहे हैं, और भी अगर किसी चिकित्सा कर्मियों का दल या अधिकारियों का दल वहां भेजना पड़ा तो उसके लिए भी सरकार कोई कदम उठाने से पीछे नहीं रहेगी। लेकिन इस स्थिति के बारे में दुष्प्रचार से बचने की सलाह देता हूं मैं, क्योंकि हम वो लोग हैं जो रोज करीबी मॉनिटरिंग कर रहे हैं पूरी एक एक घटना की। हमारा दल वहां तैनात है, आज भी रैपिड रिस्पॉन्स टीम अपना काम कर रही है, और जो फैसिलिटीज हमने वहां डेवलप की है, क्वारंटाइन की, आइसोलेशन की, वो फैसिलिटीज को भी हम मॉनिटर कर रहे हैं कितनी जरूरत है। लेकिन किसी तरह का भ्रामक प्रचार उचित नहीं है। भीलवाड़ा में स्थिति बिल्कुल नियंत्रण में है। मुख्यमंत्री जी खुद पूरे स्टेट की डेली बेसिस पे मॉनिटरिंग कर रहे हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो रही है कलेक्टर्स की एसपी के साथ और चिकित्सा विभाग के अधिकारियों के साथ, डेली ब्रीफिंग हो रही है। तो पूरे राज्य पे उनका खुद का नियंत्रण है, वो खुद मॉनिटर कर रहे हैं। मैं खुद उनके साथ हूं, हमारे डिपार्टमेंट के अधिकारी वो मुस्तैद हैं। करीब 9 आईएएस ऑफिसर्स को एक टीम के रूप में सीफू में बैठाया गया है हमारे एसीएस के नेतृत्व में। तो कुल मिला के राजस्थान में इस अभी तक कुल 32 पॉजिटिव केसेज आए हैं, जो पूरे राज्य में हमने सैंपल्स लिए 1000 से ज्यादा, उनमें से सिर्फ 32 पॉजिटिव आए हैं, और वो भी उनकी कंडीशन कंट्रोल में है, एक भी कैजुअलिटी नहीं हुई है राजस्थान में।